मूवी की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे मिलिट्री ट्रक को देखते हैं जो एरिया 51 से गुजर रहा होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 के अंदर बहुत सारे एलियन रहते हैं। मिलिट्री ट्रक बहुत सारे कंटेनर लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी कंटेनर डिसअटैच हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी बचे सोल्जर इस बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर वाले उन्हें वहां से जल्दी निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले सोल्जर्स कुछ समझ पाते हैं, उस कंटेनर से ज़ॉम्बी निकल जाते हैं और सभी को मार डालते हैं। वो कुछ सोल्जर्स को इन्फेक्ट भी कर देते हैं और शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को इन्फेक्ट कर दिया और अब वो सभी आदमखोर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। जिस जगह पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया था ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। फिर हम स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी एक बहुत बड़े होटल का मालिक होता है और उसका होटल उस जगह पर होता है जहां पर ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर रखा था। वो स्कॉट को कहता है कि उस होटल के अंदर एक तिजोरी है जिसके अंदर $200 मिलियन पड़े हुए हैं और अगर तुम उस पैसों को मुझे ला के दे दोगे तो उसमें से $50 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था, लेकिन फिर भी स्कॉट उसे इस काम के लिए हाँ कह देता है। फिर हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं जिसके अंदर उन लोगों को रखा जाता था जो ज़ॉम्बीज से बच चुके थे। वहां पर हम केट और गीता को देखते हैं। केट दरअसल स्कॉट की बेटी थी। गीता केट को कहती है कि इन्फेक्टेड एरिया के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और अगर मैं किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो सकी तब मैं वहां से बहुत सारे पैसे ला सकती हूं, जिससे मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क था। हम स्कॉट को देखते हैं जो लास वेगस जाने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा होता है। उसकी टीम में टोटल 5 मेंबर होते हैं जिसमें से 2 उसके पुराने मेंबर्स थे। बाकी बचे 3 में से एक का नाम डाइटर था जो उस तिजोरी को खोलता जो होटल के अंदर रखी थी। दूसरे का नाम माइकी था जो एक शार्प शूटर था और तीसरी एक पायलट थी जिसका नाम पीटर था। उसका काम था उन सभी को सेफली उस जगह से वापस निकालना। वो सभी एक बेसमेंट के अंदर इकट्ठा होते हैं जहां पर होटल का मालिक उन्हें कहता है कि हमें 24 घंटे के अंदर ही अंदर वहां से सारे पैसे खाली करने होंगे क्योंकि 24 घंटे के अंदर सरकार वहां पर एक न्यूक्लियर बम गिराएगी जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी मारे जाएंगे और वहां पर सभी सबूत भी मिटा दिए जाएंगे। वो उनके साथ अपना एक आदमी भी भेजता है जिसका नाम मार्टिन होता है। स्कॉट को अंदर जाने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत थी इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन केट उससे बहुत ज़्यादा नाराज थी क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद स्कॉट कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आया, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन स्कॉट उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसकी मदद से तुम गरीब बच्चों की मदद कर सकती हो। ये सब सुनने के बाद केट उसे इस काम के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन केट और सभी टीम मेंबर्स लिली के पास आते हैं जो लोगों को अंदर भेजने का काम करती थी। लेकिन जब केट को पता चलता है कि लिली ने गीता को भी अंदर भेज दिया है तब वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। केट स्कॉट को कहती है कि अब वो भी अंदर चलेगी क्योंकि उसकी दोस्त गीता अंदर फंस चुकी है। वो सभी एक कंटेनर से होते हुए अंदर आते हैं जहां पर उन्हें ज़ॉम्बीज का बहुत सारा ढेर दिखता है। लिली उन्हें कहती है कि ये सभी गर्मी को नहीं झेल पाए इसलिए सब बेहोश हो गए हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आएगी ये सभी दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लिली एक गार्ड को शूट कर देती है क्योंकि वो कैंप की सभी लड़कियों के साथ बेकार व्यवहार करता था, इसलिए हम इसे एक बलि की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि अल्फा ज़ॉम्बीज हमें अंदर जाने दें। कुछ ही देर बाद उस गार्ड के स्मेल को सूंघते सूंघते 2 ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिनमें से एक उनकी क्वीन होती है। वो उसे घसीटकर एक बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं जहां पर अल्फा ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्ट कर देता है। स्कॉट एक बिल्डिंग के अंदर आता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं पर वो ज़ॉम्बी किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करते हैं। स्कॉट और उसकी टीम उनके बीच से होते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक टीममेट जिसका नाम चेंबर होता है पीछे रह जाती है और वो एक ज़ॉम्बी को उसकी गहरी नींद से उठा देती है, लेकिन चेंबर उसे मार डालती है। लेकिन अब उसकी भनक सभी ज़ॉम्बी को लग चुकी थी इसलिए सभी धीरे धीरे जगना चालू हो जाते हैं। चेंबर उनसे भागने की कोशिश करती है लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे काट कर इन्फेक्ट कर देते हैं। विंद्रोहे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो चेंबर के पीछे लगे हुए फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वो सभी उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं जहां पर वो लॉकर होता है। स्कॉट पाता है कि जिस तरह का नक्शा होटल के मालिक ने उसे दिया था सेम उसी तरह का नक्शा वहां पर भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनसे पहले भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं लेकिन लॉकर को खोलने में कामयाब नहीं हुए और वहाँ से सभी अलग अलग हो जाते हैं। पीटर्स जो एक पायलट होती है बिल्डिंग के टॉप पर जाती है और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। स्कॉट और केट बिल्डिंग की पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और डाइटर लॉकर के पास जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे डेड बॉडीज देखता है। विंद्रोहे उस डेड बॉडी को ध्यान से देखता है और पाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हम सभी हैं।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो तो पहली बार यहाँ पर आया था, फिर ये डेड बॉडी यहाँ पर पहले से कैसे है। लिली और मार्टिन बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिसमें से एक उनकी क्वीन भी होती है। उनमें से एक मार्टिन के ऊपर अटैक करता है लेकिन लिली उसे मार डालती है। मार्टिन क्वीन के पास जाता है और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। वो उसके सिर को बैग में डालकर ले जाता है क्योंकि लॉकर के बाहर बहुत सारे ट्रैप बिछे होते हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले ज़ॉम्बीज को भेजेंगे ताकि वो सभी ट्रैप को फेल कर दे। इसलिए वो सभी एक ज़ॉम्बी को आगे भेजते हैं लेकिन वो ज़ॉम्बी आगे नहीं बढ़ता और उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लोग एक और ज़ॉम्बी को लाते हैं और उसे इस बार खाने का लालच देकर आगे भेजते हैं। वो ज़ॉम्बी जैसे जैसे आगे बढ़ता है सभी ट्रैप उसके ऊपर हमला करते हैं और लास्ट में वो ट्रैप को डिफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ स्कॉट को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का समय और भी कम कर दिया है और अब वो जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर एक न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा। क्वीन की चीखें सुनकर अल्फा ज़ॉम्बी वहां पर आता है जहां पर क्वीन की मौत हुई थी। जब वो उसके कटे हुए शरीर को देखता है तब वो बहुत दुखी होता है और जोर से चिल्लाता है। अल्फा ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी को सभी ज़ॉम्बीज के बीच में लेके जाता है। वो उसके पेट से अपने बच्चे को बाहर निकालता है। उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की अब मौत हो चुकी है और वो अपनी ज़ॉम्बी की सेना को वहां पर लेके जाता है जहां पर स्कॉट होता है। डाइटर फाइनली उस लॉकर को खोल देता है जिसके अंदर $200 मिलियन होते हैं और सभी उस पैसे को बैग में भरने लगते हैं। लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देता है जहां पर वो सभी होते हैं। केट किसी तरह उनसे बचते हुए गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्कॉट को जब पता चलता है कि केट वहां पर नहीं है तब वो समझ जाता है कि वो जरूर गीता को ढूंढने गई होगी, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए जाता है। स्कॉट और मारिया लिफ्ट की ओर बढ़ ही रहे होते हैं लेकिन तभी लिफ्ट से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो मारिया की गर्दन को मोड़कर उसे मार डालते हैं। लिली और मार्टिन भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्टिन सबसे पहले ऊपर जाकर गेट को बंद कर देता है ताकि लिली और बाकी टीममेट्स वहां से निकल नहीं पाए। मार्टिन उन्हें कहता है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके हाथ में है जो कि रानी का सिर था। अल्फा ज़ॉम्बी लॉकर के पास आता है जहां पर वेंद्रोहे से उसकी फाइट होती है लेकिन ज़ॉम्बी उसे बड़े आसानी से हरा देता है। वो वेंद्रोहे को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहां पर डाइटर आ जाता है जो वेंद्रोहे की जान बचाने के लिए उसे लॉकर के अंदर बंद कर देता है लेकिन वो खुद को ज़ॉम्बी से नहीं बचा पाता। मार्टिन जो बिल्डिंग के पीछे से भाग रहा होता है जब वो अपने बैग को खोल के देखता है तब वो पाता है कि उसके अंदर क्वीन का शेयर नहीं है बल्कि एक कैश काउंटर मशीन है जिसे लिली ने बहुत ही चालाकी से बदल दिया। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी टाइगर है। इससे पहले वो उससे बच के भाग पाता ज़ॉम्बी टाइगर उसे घायल कर देता है और उसके सिर को धड़ से अलग करके खा जाता है। बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और मार्की को इन्फेक्ट कर देते हैं। मार्की इससे पहले ज़ॉम्बी में बदल पाता वो अपने पास पड़े हुए एक ग्रेनेड की पिन को खींच देता है जिसकी वजह से वो और उसके पास के सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। स्काउट और लिली ज़ॉम्बी से बचते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि पीटर्स ने अभी भी हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं किया। उनका पीछा करते करते अल्फा ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाता है। इससे पहले वो स्काउट को मारता लिली बैग से क्वीन का हेड निकालती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है जिसकी वजह से अल्फा ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है। स्कॉट तो हेलीकॉप्टर के अंदर चला गया था लेकिन लिली अभी भी नीचे थी, वो हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही होती है। इसी बीच ज़ॉम्बी एक रॉड को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है जो उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। लिली क्वीन के हेड को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से उसके भी मौत हो जाती है और स्काउट वहां से निकल जाता है। स्कॉट पीटर को कहता है कि सभी मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला, हम उसे लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ केट जो ज़ॉम्बीज की बिल्डिंग के अंदर थी अपनी दोस्त को ढूंढ लेती है। वो सभी वहां से जा रहे होते हैं लेकिन जिस गार्ड को अल्फा ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट किया था वो वहां पर आ जाता है और उनमें से एक को मार डालता है। केट ज़ॉम्बी गार्ड को शूट कर देती है लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और सभी ज़ॉम्बी एक एक करके उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। स्कॉट गोली की आवाज़ सुनता है और केट को ढूंढने के लिए नीचे आता है। केट सभी ज़ॉम्बीज को मार डालती है लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी ने अपने सिर के ऊपर एक हेलमेट पहना हुआ होता है जिसकी वजह से गोली उसे नहीं लगती। वो केट को मारने वाला होता है लेकिन दूसरी तरफ से स्कॉट आ जाता है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। वो सभी बिल्डिंग के ऊपर आते हैं लेकिन स्कॉट देखता है कि वहां पर अब हेलीकॉप्टर नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद पीटर्स वहां पर हेलीकॉप्टर को लेकर आ जाती है। वो सभी हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ ही रहे होते हैं तभी केट देखती है कि अल्फा ज़ॉम्बी वहां पर आ चुका है। पीटर्स हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग से दूर ले जा रही होती है लेकिन ज़ॉम्बी एक बहुत लंबी छलांग लगाता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। स्कॉट और ज़ॉम्बी के बीच में फाइट होती है जिस दौरान एक गोली पीटर्स को लग जाती है और वो घायल हो जाती है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर को किसी तरह कंट्रोल कर लेती है और गलती से हेलीकॉप्टर को लास वेगास से बाहर ले आती है जिसका मतलब था कि
लास वेगस में बॉम्ब गिरने से सभी जोम्बी मारे जाएंगे, लेकिन जो अल्फा जोम्बी था अब वो उस जोन से बाहर आ चुका था। जोम्बी स्कॉट को काट लेता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन इसी दौरान गवर्नमेंट लास वेगस पे बॉम्ब गिरा देती है जिसकी रोशनी से जोम्बी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर स्कॉट उसे गन से शूट कर देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है जिसमें सिर्फ केट ही जिंदा बचती है और बाकी सभी मारे जाते हैं। केट को उसके फादर मिलते हैं जो अब इन्फेक्ट हो चुके थे। स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो गीता के बच्चों को पढ़ा सके। स्कॉट उसे कहता है कि वो उसे शूट कर दे ताकि कोई भी जोम्बी जिंदा ना बचे। इससे पहले स्कॉट जोम्बी में बदल पाता केट उसके सिर पर शूट कर देती है और उसे मार डालती है। फिर हम लास वेगस को देखते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इसी बीच वहां से वेंद्रोहे निकलता है। क्योंकि वेंद्रोहे उस लॉकर के अंदर था जो पूरी तरह से सेफ था, इसलिए उसकी जान बच जाती है और वो लास वेगस के बाहर आ जाता है। वो एयरपोर्ट के अंदर आता है जहां से उसे मैक्सिको जाना था। वो एक फ्लाइट की टिकट मांगता है लेकिन एयर होस्टेस उसे कहते हैं कि सारी फ्लाइटें बुक हैं। फिर वो लॉकर से लाए हुए पैसे से एक प्राइवेट जेट बुक कर लेता है। जब वो उस जेट के अंदर बैठता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। वो बाथरूम के अंदर आता है और अपने हाथ पर देखता है कि जोम्बी ने उसे काट लिया है और कुछ ही देर बाद वो भी एक जोम्बी में बदल जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।